कि वॉकिंग और जॉगिंग, क्या सिर्फ यही करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को अपनी प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज, या आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, ये हम इसलिए सजेस्ट करते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई स्पेशल सेटिंग्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वॉक और जॉगिंग दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो आप हर माहौल में कर सकते हैं, ठीक। बच्चों के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं कि दिन में एक घंटा किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होने चाहिए, वो रनिंग हो, वो साइकिलिंग हो, वो बैडमिंटन खेल लें, वो क्रिकेट खेल लें, वो फुटबॉल खेल लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने उनको बच्चों के लिए बोरिंग बनाना, आप उनको किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें कि एक घंटा कम से कम दिन में उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक घंटे की फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बड़ों के लिए हर, जिस तरह मैंने कहा कि अगर जिम ज्वाइन करने की फैसिलिटी है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जिम में भी, जैसे आपको पता है कि दो किस्म की एक्सरसाइजेस हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं यानी कि रनिंग, ट्रेडमिल वगैरह, और दूसरी जो आपकी वेट्स वगैरह उठाने वाली है, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपकी डायबिटीज़ के लिए मुफीद साबित होंगी।